एक्सरसाइज 10.2 पलकार की मदद से हेठ डिनल कुंडन जहाँ पे अदो अद कंदड़ कडो उन मिलल कुंडन के चैनीसन में विरा मिलल कुंड एबीसी से जोर कर कुंड मिलल एबीसी असंदी या 95 की डिग्री है तकरीबन या 95 एंगल की है के बी के मर्कज वी मनाद वर्दा के कोर्स कटो जो बी सी ए बी के तरतीब टुकन पी ए क्यू से खे बी के मर्कज वोसी कोर्स कटोसी पी ते दिनोसी क्यू नालो टुकन पी ए क्यू के मर्कज वी मुनासिब वर्दा से कोर्स कटो जो एक बे के एक टुक डी से खपी पी के मर्कज वी मुनासिब वर्दा से कोर्स कटोसी क्यू के मर्कज वी मुनासिब वर्दा से कोर्स कटोसी जिते उन्होंने कटो उत नालो दिनों डी। स्टेप नंबर थ्री में टुकन बी ए डी के पान में मिलाए बी डी ठाओ बी ए डी के पान में मिलाए अस बी डी ठाओ एंगल ए बी डी बराबर आए एंगल सी बी डी जै टुकन से कोर्स पी क्यू कप उत नालो ओ डो इतने अस नालो एक ओ डी हाँ ये पान में कुंडो बराबर थी ये अलग कुंड थी ये अलग थी हाँ टुकन ओ ए क्यू के मर्कज वी मुनासिब से कोर्स कटो जो एक बे के टुक ई से कपिन टुकन बी ए ई के मिलाए बी ई ठाओ क्यू के मर्कज वी कोर्स कटोसी ओ के मर्कज वी कोर्स कटोसी इन नालो ई दिनोसी हाँ इनके अस मिलाया बी ई ठाओसी। स्टेप नंबर फोर सिक्स में टुकन पी ए ओ के मर्कज वी डाको फाइव बेहर दुरा पी एफ ठाओ सागे नमूने से पी के मर्कज वीड़ो कोर्स कटासी ओ के मर्कज वी ओ कोर्स कटासी जड़ी नमूने अस ओ पी क्यू के मर्कज वी कोर्स कटिया अड़े नमूने पी ए ओ के मर्कज वी कोर्स कटा जिते वे पान में कपीन उत नालो असासी एफ की एफ नालो दिनोसी इनके पान में मिलायासी पी एफ भी पान में मिलायासी इन तरह मिलल एंगल ए बी सी एक जितने चैनीसन में विराजी वही हर एक हिस्से की कुंड कुंड के कुंड माप से मापे तसी कर सके थी। हाँ चार ही कुंडू पान में बराबर होंद एंगल माप की मदद से तकरीबन तक मापे सोता तो सब कुंडू पान में बराबर होंद हर एक कुंड तकरीबन 23.75 है ये दिस तकरीबन 23.75। एक्सरसाइज 10.2 डिवाइड द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपासेस इनटू फोर इक्वल पार्ट्स कंसीडर द गिवन एंगल एबीसी व्हिच इज 115 डिग्री विद सेंटर बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी सूटेबल रेडियस टू कट बीसी एंड एबी एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली Draw arc with center B. Cut point B and Q. With center P and Q, draw two arcs of suitable radius to cut each other at point D. With center P, cut here. Draw with center P, draw an arc, and again with center Q, draw an arc, which may cut both at point. Now join point B and D and draw AB and draw BD name the intersecting point D and draw BD where they cut put the name O with center O and Q O make any suitable radius draw two arcs first make it from O and then again on point Q make another arc which may cut at point which may both intersect at point E now with center O and P repeat the same process to get BF O and P first
make center B a draw arc, then make center O and draw an arc. These two arcs may intersect at point F. Now the given ABC has been divided into four equal angles. We may verify whether these help or protector. If you verify these all four angles, you will find these are in equal magnitude, like 28.75 degree. Exercise 10.2. Question number. Pal में दो एकड़ी एंगल मिलल आ टे विषय में 145 जी मिलल कोंडे बीसी ते गौर करो उन्हें करे सिंधा सिंधिया जी को आसो 145 डिग्री जी है हाने सा डुबके बी के मरकज वटी मुनाद वदा कोस कडो जिको बीसी ऐं ए बी के डटी वट कन पी ऐं क्यू के कपे बी के मरकज सी कोस कडियो सी पी ऐं क्यू ते कपे उनन के टिपन पी ऐं क्यू के मरकज वटी मुनाद वदा सा कोस कडो जिके बे के टिपके डी ते कपे पी के मरकज तो सी कोस कटियो सी क्यू के मरकज तो सी कोस कटियो सी उन्होंने एक बेके किथे कटियो डी ते उन्होंने एक बेके डी ते कटियो आई पोए बी ए डी के पाने में मिलायो टिपकन बी ए डी के पाने में मिलायो बी डी ठायो जे टिपकन के उस पी क्यू के कटियो ते नालो ओ दियो इते सा नालो ओ दिनो टिपकन ओ ए पी यू के मरकज उठी मुनासिब अदा सा कोस कटो के एक बेके टिपके ई ते कपिन टिपकन बी ए ई के मिलाए पहले ओ के मरकज वी कोस कटो सी क्यू के मरकज वी कोस कटो सी उन्होंने एक बे के कपियो ई ते उनके अस मिला पी ई हासिल कर टुपन पी ए ओ के मरकज वी डाको फोर बेहर दुराय पी एफ हासिल कर सागे नमूने तक कोस वी पी एफ हासिल कर इन तरह मिलियल एंगल ए बी सी के चंद चई निशान में विराजी वही हर किसी के कुंड के माप से माप तस्दीक कर सकें थी कुंड माप से इन की तस्दीक कंदा तो चार ही कुंड पाने में बराबर होंगी जैसी वेलू होंगी 36 25 डिग्री सेंटीग्रेड